हाँ तो अभी शादी हो जाएगी फिर मैं डांट नहीं पाऊंगा ना। I never felt this way, cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away, I'll finally choose, yeah, cause it feels like What's up guys, welcome back to the channel and today is 25th of February. How was your anniversary last night? बहुत blessings आ रही। अगले साल इनको बोलो कुछ कर ले, पिछले दो साल से मैं ही कर रहा हूँ। करेगा तू ही, but तेरे को एक Thanksgiving सर। ये नहीं मैं बोल दूँ अगली बार मैं, I will do something for my wife and Yes, I take a vow this time that I will celebrate. मैं बता रहा अगले साल थाईलैंड निकल जाएंगे अकेले। कोविड खुल जाएगा। अकेले ना? तू मेरी तरफ ना पापा की तरफ है? मैं तो भाई साइंस की तरफ हूँ। खुद ही पापा को आइडिया दिया। तो भाई अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं नीचे व्हाइट सैंड बीच जो रिवर साइड है वहाँ पे। We are going to do a nice yoga session. मतलब this is something very unique and very new that I am doing. And ये पूरा experience Josiette ने curate करा। देखो मैंने आज तक योगा तो कभी करा नहीं है, मॉम डैड ने फिर भी करा हुआ है। But then this is going to be my first time. And I hope थोड़ा basic level हो। पता चले यहीं भाई अकड़ गया हो तो कोई मुश्किल से योगा का पोज आके और मेरी पीठ अकड़ गई तो फिर से आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा। कौन कहता है मैंने वर्कआउट सेशन मिस करा है, बिकॉज वी हैड एन अमेजिंग योगा सेशन थैंक्स टू मीनाक्षी हियर फ्रॉम रोजियट एंड दिस वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मैंने फर्स्ट टाइम योगा एक्सपीरियंस करा था एंड बहुत अच्छा था। इफ आई डू इट एट दिस प्रॉपर्टी की रोज यहाँ से नीचे आना एक घंटा योगा सेशन एंड देन गोइंग बैक आई थिंक आई डोंट नीड अ जिम आफ्टर। मैं तो जाके स्टार्ट कर रहा हूँ मम्मी। So she told us a lot of things. मतलब मम्मी को जैसे cervical और migraine का problem है तो she told a lot of exercises. अब आप पे depend करता है आप करते हो नहीं करते। चलो ये सब तो हो गया, main चीज़ है यहाँ से वापस ऊपर जा रहा। तो 250 steps है। तो best of luck, I'll see ऊपर जाके। तो जनता योगा का सेशन खत्म, उसके बाद ब्रेकफास्ट खत्म। मतलब आज जो ब्रेकफास्ट खाने में मजा आया ना मैं बता नहीं सकता आपको। मैं वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज हम लोग थोड़ा जल्दी में थे एंड वी हैड टू लीव एंड साथ साथ इंस्टाग्राम के लिए कुछ फोटोज भी क्लिक करवाए तो मैंने खिंचवाई, हमारी प्रिया बहन ने खिंचवाई एंड अब मैंने सोचा है चेकआउट करने से पहले ड्रोन उड़ाया जाए बिकॉज मैंने तो ड्रोन शॉट्स नहीं डाले। तो एक काम करो एंजॉय दीज ड्रोन शॉट्स। टाइम टू फाइनली चेकआउट, मतलब सामान वगैरह सारा रख लिया। हाँ जी कैसा लग रहा है? जाने का मन नहीं। यही होता है मैं बता रहा हूँ, पिछली वीडियो के बाद मैंने यही बोला था जब ट्रिप शुरू होता है ना तब कोई जाने को राजी नहीं होता, जब ट्रिप खत्म होने वाला था ना हर किसी को घर नहीं जाना होता। पापा भी कहते हैं यार दो दिन का क्या होता है, दो दिन और रुक जाओ। मुझे तो घर जाना है पलटू बात ही नहीं, घर जाने का मतलब है यही मेरा घर। तो भाई ओवरऑल द स्टे वॉज वेरी नाइस, स्टाफ वॉज वेरी नाइस। इनफैक्ट जो एमिनिटीज थी और मतलब कोई भी चीज चाहिए होती थी ना आपको दो सेकंड में मिल जाती थी। अगर कुछ नहीं भी अवेलेबल था इफ यू वॉन्टेड समथिंग They made sure that it is available. तो एक छोटी सी दुविधा हो गई है तो फ्रंट टायर में हवा बहुत ज्यादा कम आई है। 230-240 तक रहनी चाहिए टायर की हवा, मिनिमम टू मिनिमम 200 तक जानी चाहिए। अभी 180 एंड कर्नल साहब फिर से थोड़ा सा गुस्सा हो गया। यार मैं समझ नहीं आता, मुझे पता आप लोग कह रहे गुस्सा आता है, भाई देखो उनका एक तरीके से सही है बिकॉज दो दिन से गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने बिल्कुल भी गाड़ी चेक नहीं करी कि दो दिन में गाड़ी ठीक है सही जगह पर लगी हुई है, हवा चेक करानी पड़ी और अगर पंक्चर हुआ पीछे जो उसका सारा जैक वगैरह पड़ा है उसके लिए सारा लगेज फिर से निकालना पड़ेगा एंड देन सामान डालना पड़ेगा। तो देन जो भी होगा जैसे भी होगा देखते हैं, पहले तो मैं हवा भरवा के चेक करूंगा। तो मैंने हवा भरवा ली है तो जितनी हवा थी उससे मैंने एक दो पॉइंट ऊपर ही भरवाई है ताकि कोई इशू ना आए, क्योंकि अगर फिर से इशू आया कर्नल साहब तेरी हवा निकाल। अब मुंह से हवा भरवाएंगे मेरे से। मेरे को एक बात बताओ, तो मेरे को हंसी तो आ रही है बड़ा गुस्सा आ रहा है, मुझे ये बात बताओ तुमने लास्ट मोमेंट पे पेट्रोल भरवाना होता है, लास्ट मोमेंट पे हवा भरवानी होती है पेट्रोल भी ना। ये तुम्हारी कॉलेज वाली आदत कब जाएगी? तुम क्लास में भी लास्ट मोमेंट में भागते भागते पहुंचे तक पता चलता था सर ने बोला क्लास खत्म हो गई है। तो हॉस्टल तो हॉस्टल में ना पापा को फोन आ जाते थे कि करण क्लास में नहीं आता, और जब तो क्लास में आता सिर्फ अटेंडेंस के टाइम पहुंच जाता है। अब ज्यादा नहीं डांटना शुरू हो गए, कमेंट्स में भी आना शुरू हो गए। हां तो अभी शादी हो जाएगी फिर मैं डांट नहीं पाऊंगा ना, तो वो पहले से कोटा पूरा कर रहे हैं। मियां बीवी को दोनों खड़ा करा देंगे सावधान में, कह रहे आ जाओ। वाह वाह वाह, वो टाइम कौन डांट खाता है आजकल? मैं तो खा ही रहा हूं शरीफ सा बच्चा। तुम खा बेचारा हो गया तुम्हारा बेचारा। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का। चलो अब एक काम करते गाड़ी चलाते हैं यहाँ से। हाँ यहाँ से 6.5 घंटे दिखा रहा है तो निकलते हैं, क्योंकि मुझे पता है दिल्ली बॉर्डर पे जाम मिलेगा बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट के कारण। हाँ जाम जाए खाओ पियो। तो सुबह जाते टाइम इतना रश नहीं था, वापसी में 100% बहुत ज्यादा रश मिलने वाला है बिकॉज आज वीकडे भी। तो अभी हम लोग पहुंच गए हरिद्वार एंड हमने करे अभी 40 किलोमीटर। कल से कहते गाड़ी धीरे कर लो, उनकी बचपन की यादें उन्हें ताजा करनी थी बिकॉज यहाँ पे अभी हम लोग राइड से निकल रहे हैं। तो ये पूरा हल्की क्या है हरकी पौड़ी। हाँ दिस इज कॉल्ड हरकी पौड़ी। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर यहाँ से दिखता है नहीं दिखता है।
यहाँ से हम लोग काफी दूर तक पैदल चलते थे गंगा डैडी आपका सही है, कोई आपको 100 किलोमीटर ट्रैक पे भेज देता है वैसे यहाँ तो गाड़ी आ गई, नहीं तो आपको हम बोलते कार्स होती नहीं थी बेटा, कार्स होती नहीं थी, वी यूज्ड टू कम इन अ बस और अ रिक्शा। पुराने कह गए हैं कि आप लोग नदी पार साइकिल पे एक गांव से दूसरे गांव स्कूल जाते थे, तो हम ये भी मान लेते हैं बेटा। यू मस्ट अंडरस्टैंड लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट, अभी लाइफ कंपैरेटिवली जो है इतनी अमेनिटीज हो गई है ठीक है। तुम इमेजिन करो अभी तो इंटरनेट पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाता है, हम लोगों को लाइब्रेरी जाकर के नोट्स बनाने पड़ते थे। बात तो वैसे सही है, अभी बस दो शब्द गूगल सर्च, वो अलग बात है, नोट्स बनाते बनाते हम सो जाते थे। लेकिन हम भी पापा आजकल फोन यूज करते करते सो जाते हैं। यू लाइक दिस लाइफ बेटर और दैट लाइफ बेटर, फिर भी देखना ही बोलेंगे दैट लाइफ वाज बेटर। नहीं दोनों के एडवांटेजेस हैं, बट दिस लाइफ इज ऑब्वियसली बेटर बिकॉज़ इसमें द वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन फ्रिवोलस थिंग्स इज नॉट देयर। यू वेस्ट योर टाइम एवरीडे ऑन सोशल मीडिया। वाह वाह वाह, करण सहगल हैज सेड गोल्डन वर्ड्स। भाई आजकल टाइम सबके पास है बट सोशल मीडिया पर सारा टाइम निकल जाता है। मेरे व्लॉग्स देखने बाद और कुछ कर लिया करो, बट व्लॉग्स मत मिस करना। तो हम लोग कर चुके हैं अप्रॉक्सिमेटली 190 किलोमीटर एंड अभी चाय का टाइम हो चुका है। एंड बेस्ट पार्ट मम्मा ये ना, अपने वैसे पार्ले जी की तौहीन कर रहे हो। पार्ले जी कभी पानी में खा के देखा है? पानी में? हाँ। भाई कमेंट करके बता देना किसने पानी में खा के देखा, जिनने नहीं खाया ना कमेंट नहीं आएगा, जिनने नहीं करा ट्राई करके देखना, मैं बता रहा हूँ मुझे थैंक यू बोलोगे। घर में अगर कोई आया उसको बोला पानी के साथ पार्ले जी खा के देख। पानी में? हमने चाय में तो खा के देखा, तो फूड ब्लॉगर था कभी लाइफ में। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा था कि हमने सोचा अंदर बैठेंगे, बट मामा कहते हैं बाहर ही बैठते हैं बिकॉज पूरे रास्ते गाड़ी में बैठे हुए थे, हम एक बार भी उतरे नहीं। लंच भी रोजियट ने हमें पैक करवा के दे देता, तो एज सच वी डिडंट नीड टू स्टॉप। एंड लंच में हमने खाया राजमा चावल, चिकन सैंडविच और क्या खाया, वेज सैंडविच, ये तीन चीज़ें हमने पैक करी थी विद फ्राइज एंड डाइट को। एंड यहाँ से भी ट्रैफिक बहुत गंदा दिखा रहा है, तो हमने सोचा आराम से रुकते हैं, सनसेट इन्जॉय करते हैं, चाय पीते हैं, घर तो जाना ही है एट दी एंड सबको कभी ना कभी। फास्ट टैग बनवाने का फायदा क्या अगर इतना धीरे इनका हिसाब चलता है? Do you want to say anything? डैडी आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो कुछ नहीं कहना, मैं कहूंगा शिफ्ट टू कनाडा। कनाडा पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पिछले दो बारी से तो नहीं चला, ना खुल रहा है ना कुछ है, लाइन में हम 15 मिनट से खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। स्पेशल मशीन कन्फ्यूज है, धीरे धीरे खुल। पूरे रास्ते में तीसरा टोल था और तीनों टोल में सेम प्रॉब्लम आई है, ज्यादा टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आया, एवरीथिंग वाज सो स्मूथ। ये पुल ऐसे रहा था जैसे वो शाम को सो के चाय पीने के लिए भाई, मतलब धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे। तो यार ठीक है फास्टैग से चीजें बहुत स्मूथ हो गई है, ट्रैफिक नहीं लग रहा है, बट देन थोड़ा और बेटर हो सकता है। बट हाईवे मैं बता रहा हूँ, ये जो हाईवे है ना भाई, देहरादून ऋषिकेश वाला, दिस हाईवे इज अमेजिंग। मैं बहुत सालों बाद इस रूट पे आ रहा हूँ, बहुत अच्छा रूट है। 8:32 इन द इवनिंग एंड हमें टोटल लगे 6 घंटे। एंड भाई 6 घंटे हमने लंबा रास्ता लिया, फिर भी 6 घंटे लगे बिकॉज एक्सप्रेसवे टू एक्सप्रेसवे 200 किलोमीटर का स्ट्रेट स्ट्रेच, कोई टेंशन नहीं, बस टोल पे थोड़ा सा डिले हो गया था, बट बड़ा पंगा हो गया। मतलब मुझे बार बार ना नोटिफिकेशन आ रहा है, ऋषिकेश में पुल करवाई थी हवा, बट देन 100% अब पंक्चर है बिकॉज पहुंचते पहुंचते फिर से ये 190 दिखा रहा है। तो मैं अभी ये करने वाला हूँ कि अगर मैं इसको भी नीचे पार्क कर दी तो सुबह तक ये फ्लैट हो जाएगा बिकॉज कोई मेजर पंक्चर है, तो मैं एक काम करने वाला, ज्यादा हवा भरवाने वाला हूँ, कल इसको ढंग की जगह पे जाकर इसका पंक्चर लगवाऊंगा बिकॉज अभी रात को मैं जैक लगवा के इसको चेंज करवाऊं तो पता नहीं ना कैसे लगाएगा। दो आई विल ट्राई कि ऐसे पूरा मोड़ के अगर पंक्चर मिल गया तो वो बेस्ट हो जाएगा, नहीं मिला तो कल अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो भाई ये रहा पंक्चर, आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, एयर प्रेशर कम हो गया भाई, रॉकेट की तरह हवा निकल रही थी। मैं तो सोच रहा हूँ थैंक गॉड ये लास्ट में जाके ऐसे हुआ है, अगर शुरू में होता ना तो पूरे रास्ते रुक रुक के आना पड़ता, बिकॉज अभी भी मैंने जैक पे नहीं लगवाया बिकॉज मुझे था कि रोड यहाँ पे तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी खराब है, कहीं जैक स्लिप हो गया तो मोटा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए हमने सोचा गाड़ी आगे पीछे करके मिल ही जाएगा जो पंक्चर है। जनता इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे ऋषिकेश वाली ट्रैवल सीरीज। आई नो व्लॉग बहुत ज्यादा लेट हो गया है, आई नो गाड़ियां मत देना मुझे, मुझे पता है मैं बहुत ही बड़ा गधा आदमी हूँ, बट ठीक है टाइम के साथ साथ भाई थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ट्रिप बहुत ही ज्यादा तगड़ा था, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हो रखा था एंड बहुत ही ज्यादा मजा आया था। एंड साथ के साथ मैं ये व्लॉग एंड कर रहा हूँ, एंड कल मुझे फिर से एक और ट्रिप के लिए निकलना है, जो आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें आपको पता चल होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, इट इज गोना बी फन। बट बैक टू बैक व्लॉग्स आ जाएंगे, तो अगर आज ये व्लॉग आ रहा है कल एक और व्लॉग आ जाएगा, उसके बाद भी एक और व्लॉग आ जाएगा। एंड अगर 2 दिन में एक व्लॉग डालना है कमेंट करिए बता देना, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पढ़ता हूँ मैं सारे कॉमेंट्स। आई सी नेक्स्ट व्लॉग।